भिलाई शहर को मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है, जहां कई समाज व धर्म के लोग निवास करते हैं। सभी त्योहारों का एक विशेष महत्व भी है। 3 अक्टूबर से नवरात्रि पर्व शुरू हो चुका है, लेकिन बंगाली कल्चर के लोगों द्वारा पंचमी 8 अक्टूबर मंगलवार से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आमदीनगर हुडको में रविन्द्र निकेतन द्वारा संचालित कालीबाड़ी दुर्गोत्सव समिति द्वारा परम्परा अनुसार नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कालीबाड़ी में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ शहर वासियों को बंगाल की संस्कृति देखने को मिल रही है। बंगाली समाज की ओर से वाद्य यंत्रों के साथ किए जाने वाले विशेष पूजा को देखने के लिए शहर के लोग बड़ी संख्या में यहाँ शामिल हो रहे हैं। बंगाली समाज में नवरात्रि में माता महाकाली, महालक्ष्मी और माता सरस्वती की पूजा करने का विधान है। इस पूजा में समय का विशेष महत्व रहता है। यही कारण है कि तय समय में ही विधि विधान से बंगाली परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। गौरतलब है कि हुडको कालीबाड़ी में बंगाली समाज के द्वारा नवरात्र पर माँ दुर्गा की स्थापना की गयी है। यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ माता की स्थापना यहाँ पर की गई। इसके साथ ही समाज के द्वारा 4 दिवसीय भव्य आयोजन प्रांगण में कराए जाएंगे। पहले दिन भी गीत संगीत का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति के द्वारा इस तरह की जानकारी 4 दिवसीय पर्व को लेकर दी गई है। माता रानी की इस दुर्गा पूजा का सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारा 38वां वर्ष है हुडको में, और इस बार हमारा दुगुना क्या बोलना चाहिए एंजॉयमेंट है, क्योंकि एक तो हमने बहुत बड़ा एक कार्यक्रम कर दिया है, जो कि हमारे यहाँ पे गार्डन, जो पब्लिक के लिए गार्डन और उनके घूमने के लिए सुबह शाम जो हमने पाथवे बनाया है वो एक है, प्लस हमारा ये दुर्गा पूजा का आयोजन हमने किया है। इन मतलब 4 दिनों में क्या क्या आयोजन किए जाएंगे, जैसा आज प्रथम दिवस है? हाँ, आज प्रथम दिवस है, षष्ठी है। आज हमारे ही लोकल हुडको के कलाकार बच्चे लोग का प्रोग्राम हुआ है। कल सप्तमी है, कल भी हमारे लोकल आर्टिस्ट के साथ में बाहर के हमारे पीटी उल्लास और देवव्रत राय का कार्यक्रम है। अष्टमी को हमने बच्चे लोग का डांस का प्रोग्राम रखा है, कंपटीशन रखा है बुगी वुगी, और नवमी को एक हमारे ही भिलाई का ऑर्केस्ट्रा है JMC, उनका एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रखा है। माता से क्या कामना करते हैं? माता से मैं सबकी मैंने हर व्यक्ति की अच्छे से अच्छी सबका भला हो, सबका सुखी हो, सबका अच्छा हो, हम ये माता से कामना करते हैं कि सब सुखी रहे, अच्छे रहे। बहरहाल 4 दिनों तक माँ दुर्गा प्रांगण में विराजित रहेगी। प्रतिदिन समाज के द्वारा भव्यता से यहाँ पर आयोजन किए जाएंगे। ACN News के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।